नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम संस्कृत में व्याकरण भाग का तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम वचन करेंगे। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें और मेरे साथ जो है आपने ध्यान भी देना है और साथ साथ आप करते भी जाएंगे आप काम। तो बच्चों वचन जो है किसे कहते हैं, पहले तो ये आ जाता है कि वचन जिसके रूप से एक दो अथवा अधिक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन की परिभाषा का तो हमने क्या है, वैसे वचन का शब्द का जो अर्थ है वो है संख्या, वस्तुओं की संख्या एक या तो एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। इस आधार पर तो हम जो है हिंदी में भाषा में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा जो है उसमें वचन जो है तीन तरह के होते हैं, है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से एक वचन एक चीज़ का पता चलता है हमें, द्विवचन से दो चीज़ों का पता चलता है और बहुवचन से बहुत सारी। तो बच्चों आज जो है हम सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं और साथ साथ समझते भी जाएंगे, मैंने मौखिक रूप से आपको बता दिया, अब हम लिखेंगे भी। पहला प्रश्न आता है वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। उत्तर है शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक दो अथवा का क्या अर्थ होता है, या अधिक अधिक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या, वचन का अर्थ है संख्या, क्या है वचन का अर्थ, संख्या। ठीक है, ये संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने बताया था आपको कि हिंदी में जो वचन है वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और द्विवचन, लेकिन संस्कृत में भाषा में तीन वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में वचन तीन होते हैं। ठीक है, अब जो है क्या है प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत भाषा में वचन तीन होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं और कौन कौन से। ठीक है, तो फिर इसका उत्तर आ जाएगा वचन तीन प्रकार के होते हैं, वचन तीन प्रकार के होते हैं
नंबर एक एक वचन, नंबर दो द्विवचन और नंबर तीन बहुवचन। ठीक है कि संस्कृत में वचन जो है वो कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि हम जो है संस्कृत की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में दो तरह के ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपने यही पढ़ा हुआ है, हिंदी में तो यही पढ़ा था ना, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा भिन्न है, तीन तरह के होते हैं। तभी जो है व्याकरण में आपको थोड़ा सा पार्ट में करवा रही हूँ ताकि याद रहे आपको कि कैसे जो है आपने संस्कृत में इन चीज़ों को याद रखना है आपने। अब आ जाता है कि एक वचन, एक वचन का जो है हम परिभाषा लिखेंगे, एक वचन, एक वचन को क्या कहेंगे, जब जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम आदि शब्दों के आदि शब्दों की संख्या एक हो तो उसे नेक्स्ट पे उसे एक वचन कहा जाता है, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे फलम, पुस्तकम आदि। उदाहरण जैसे यहाँ पर देंगे हम, रामः पठति, रामः पठति, राम पढ़ता है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या बताया कि एक वचन में क्या है कि जब संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों की संख्या एक हो तो उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे फलम, पुस्तकम आदि। उदाहरण के लिए दिया हमने, रामः पठति, राम पढ़ता है, बालकः गच्छति, बालक जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो है आज हमने क्या किया कि वचन किसे कहते हैं, आपको समझ में आई वचन किसे कहते हैं कि वचन शब्द के जिस रूप से एक, दो अथवा अधिक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। संस्कृत भाषा में वचन तीन होते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं? वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा, जब संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों की संख्या एक हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे फलम, पुस्तकम आदि। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है
राम पढ़ता है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। इसमें राम और बालक का जो है, रामः और बालकः है, एक एक है, राम के बारे में है और बालक के बारे में, एक के लिए। तो हमने यहाँ पर हमें एक वचन का पता चलता है। तो बच्चों, आपने आज सिर्फ इतना ही याद करना है और इसका अभ्यास करना है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।